सो आज के ऑडिशन के बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस रहा एंड सिंगाथॉन के बारे में क्या? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. इस पूरे कंपटीशन में अगर आप देखेंगे तो छोटे बच्चों से लेकर अज्जी अजोबा हम बोलते हैं, सब सब ने पार्टिसिपेट किया था. बहुत ही अच्छा स्पिरिट था पूरे कंपटीशन का. राइट. ऑल्सो आपने अपनी तरफ से क्या तैयारियाँ की हैं? मैं ट्रेन सिंगर नहीं हूँ, तो मैंने लग जा गले एक लता मंगेशकर का गाना अटेम्प्ट किया था, तो पूरा वीक प्रैक्टिस किया. वो प्रोसेस मेरे लिए अच्छा था. आई लव द स्पिरिट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन. ऑल्सो क्या क्या रिएक्शन था जब उन्होंने आपका आवाज़ सुना? कोई टिप्स दी या फिर कोई कमेंट्स आए उनकी तरफ से? जजेस वर वेरी सपोर्टिव. शी क्लैप, शी स्माइल एंड दैट मेड मी फील गुड. ओके मैम, आज का जो यहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में और कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सब एज ग्रुप के लोग हैं. बहुत मेरा प्यार भरा नमस्कार सबको. और ये जो कंपटीशन है वो लास्ट ईयर से शुरू हुई है सिंगाथॉन के लिए. और सिंगाथॉन के लिए मैराथन जैसे कॉम्पिटिशन होती है, मैराथन में कैसे सब लोग अगर कैपेसिटी हो या ना हो एक कॉज के लिए दौड़ते रहते हैं, वैसे जिसकी कैपेसिटी अगर नहीं भी होगी और अगर आवाज़ होगी भी तो कोई भी यहाँ पार्टिसिपेट कर सकता है सिंगाथॉन में. और 4 बरस से लेके 81 बरस तक ऐसा रिस्पांस बहुत बड़ा रिस्पांस मिला है. और मुझे कहने को बहुत गर्व होता है कि मेरी बेबी मानसी केड़कर तांबे, उसने ये वो संस्थापिका है स्वर मानस संस्था की, और उसने ये शुरू किया है. और मैं बाकी सब लोगों की बहुत आभारी हूँ क्योंकि बहुत स्पॉन्सर्स आए हैं, उन्होंने काफ़ी अवार्ड्स दिए हैं, उन्होंने कुछ डोनर्स ऐसे हैं कि उन्होंने डोनेशन दी है. और एक टीम उसके लिए काम कर रही है मेरे बेबी के लिए, और पार्टिसिपेंट्स वो भी इसमें हिस्सा लेके ये बहुत अच्छे कॉज के लिए कर रहे हैं.